हाई एवरी वन, माई नेम इज़ अंजलि। वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको क्रिसेंथेमम की पॉटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये जो प्लास्टिक के बैग्स हैं उनको जो है आपको मिट्टी से फिल करना है, और ये जो मिट्टी है ये नॉर्मल सॉइल है, गार्डन सॉइल प्लस रिवर सैंड है। इसमें कोई फर्टिलाइजर या काउडंग या फिर कोको पीच ये सब ऐड नहीं है, क्योंकि ये बेबी प्लांट्स के लिए है। तो आपको जो है नॉर्मल ही मिट्टी यूज़ करनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से फिल करना, ये 16 टू 17 है। एंड एक एक को फिल करने के बाद इसमें जो एक एक प्लांट्स को लगाएंगे। ये प्लास्टिक के बैग्स मार्केट में काफ़ी सस्ते आते हैं, तो आप ये ले भी सकते हैं, या फिर आप कभी भी नर्सरी से प्लांट आते हैं तो वो प्लास्टिक के बैग्स को मत फेंकिए, ऐसे सेव करके रखिए ताकि आप फ्यूचर में उसको रीयूज़ कर सकें। तो आज जो है इन बेबी प्लांट्स को हम प्लास्टिक के पॉट्स में लगाएंगे। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, एंड इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। देखिए अभी इतने छोटे छोटे हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे, जब फूल आएंगे, इतने सारे आएंगे एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट में 52-55 फूल आएंगे। तो अब आप शायद यकीन ना करें कि ये वही प्लांट्स हैं। एंड तो देखिए रूट्स आ चुके हैं, और रूट्स कितने ज़्यादा हेल्दी है, ये देखिए इसमें भी देखिए रूट्स कितने ज़्यादा हेल्दी है। तो देखिए लगाते कैसे है, टेक्निक सिंपल है। आप अपना फिंगर का यूज़ करके ऐसे होल बनाइए, और ये इस तरह से उसको बस अंदर रखना है, और कुछ इस तरह से मिट्टी को डैप करनी है। ऊपर से सॉइल को टाइट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब वाटरिंग करते हैं तो सॉइल में जो पानी जब जाता है तो रूट्स मूव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको वो जो है वो अवॉइड करना है। तो अगर रूट्स मूव होते हैं तो प्लांट्स के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए जो है आपको सॉइल को जो टाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए एक एक पॉट में एक एक प्लांट्स फेल हो रहे हैं। अभी इनके रूट्स देखिए कितने ज़्यादा हेल्दी आ गए हैं। तो इफ़ यू आर बिगिनर इन गार्डनिंग देन यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। प्लांट्स लगाना भी एक टेक्निक होता है, ये नहीं कि आप बस ऐसे ही घुसेड़ देंगे। आपको एक जगह पहले बनानी होती है, उसके बाद फिर लगाना होता है। और अगर प्लांट्स खरीदते हैं तो आप प्लांट्स की केयरिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्लांट काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। अभी तो क्रिसेंथेमम का सीज़न नहीं है, तो अभी क्रिसेंथेमम की वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन जब ये अक्टूबर या फिर नवंबर में क्रिसेंथेमम का सीज़न स्टार्ट होगा तब देखिए कितनी एक्सपेंसिव आती है मार्केट में। एक छोटा सा पौधा भी आपको 20-30 रुपीज़ करेगा, और बड़ा तो छोड़ ही दीजिए, बड़े का तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप जो है अगर आप एक पौधा भी खरीदते हैं तो आप छोटे छोटे ऐसे बना सकते हैं। सो देखिए मेरे जो प्लास्टिक के बैग्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, मैं इनको शेड में रखूँगी। एंड आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।